हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ आपके अपने चैनल लेट्स टॉक लॉज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या तलाक का केस 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, और यदि हम अपील के लिए जाते हैं तो क्या 90 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या यह संभव है या नहीं? अगर है तो कैसे? क्या यह सच है? सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, हर कोई चाहता है कि उसका केस कोर्ट से जल्दी ख़त्म हो जाए और उसे कोर्ट केस से आज़ादी मिल जाए, परंतु कम जानकारी के अभाव में, या यूं कहें सही जानकारी ना होने की वजह से, हमारा केस बहुत लंबा चला जाता है और हमें न्याय मिलने में देरी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 21B सब सेक्शन 2 में यह प्रावधान दिया गया है कि इस एक्ट के अंदर आने वाले जो केस हैं जिनका ट्रायल चल रहा है, वह इसी 6 महीने यानी 180 दिन के अंदर ख़त्म होंगे। उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, हमारा तलाक का केस भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आता है, तो यह केस भी 100% 6 महीने के भीतर ख़त्म होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और अगर आप अपील के अंदर जाते हैं तो अपील का जो टाइम पीरियड है वो हाई कोर्ट के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत उसका टाइम पीरियड है वह 90 दिन का होता है। यदि यानी कि अपील का जो प्रोसीजर है वो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। फिर सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा प्रावधान है तो फिर टाइम इतना ज़्यादा क्यों लगता है? क्यों हमारा केस लंबा खींच जाता है? क्योंकि हमें कानून की पूरी जानकारी नहीं होती है। कानून के अभाव की वजह से या अधूरी जानकारी की वजह से आप कोर्ट को बता नहीं पाते हैं कि आपका ट्रायल चल रहा है और हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत 6 महीने यानी 180 दिन का प्रावधान है, जो कि 180 दिन में हमारा केस ख़त्म हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप उस संबंधित हाई कोर्ट में जाकर स्पीड ट्रायल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आप साफ साफ बात बता सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर हमारा मुकदमा चल रहा है और वहाँ काफ़ी डिले हो रहा है जबकि यह फास्ट होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। तो हाई कोर्ट द्वारा उसे डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपके कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा है, उसे फास्टली करो और कानून के मुताबिक उस मुकदमे को 180 दिन के अंदर यानी कि 6 महीने के भीतर ख़त्म करो। और यदि आपका केस अपील का मामला है तो हाई कोर्ट में चल रहा है, और यदि वह 90 दिन के अंदर ख़त्म नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो पहले आप हाई कोर्ट में ही अपनी बात रखें कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि केस 90 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, फिर भी ऐसा डिले क्यों हो रहा है? और यदि फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो कानून में ऐसा प्रावधान है कि उसे फास्ट कराने के लिए आप सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारा यह मामला है जो कि हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसे जल्दी ख़त्म नहीं किया जा रहा है। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इस केस से संबंधित डायरेक्शन देगा कि आपके न्यायालय में ऐसा मामला लंबित है जिसमें डिले हो रहा है, आप इस केस को 90 दिन के अंदर ख़त्म करो, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है, और यह मामला 90 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, जिससे कि आपका केस भी फास्ट चलेगा और जल्दी ख़त्म होगा और न्याय जल्दी मिलेगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली अगली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ाना लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।